वेलकम बैक टू आर रिविजन सीरीज जो हमारी चल रही थी फॉर मे ट्वेंटी नवम्बर ट्वेंटी टू के लिए नया लेक्चर नहीं लाऊंगा तो यही वाले रिविजन होंगे अगर कोई अमेंडमेंट आती है तो अलग आ जाएगा सो so, हमारे बहुत सारे पाथ्स हो गए हमारे को तीन टॉपिक बचे फेमा आई बी सी एंड सेबी तो आज मैं आपके सामने लेकर आऊंगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट द मोस्ट मार्केट में जो फैला हुआ है डर 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 का माहौल आई बी सी इन सॉल्स इन बैंक टू थाउजेंड सिक्सटीन गाइज अगेन द डिस्मर आल बी टीचिंग यू फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रेट टू द पॉइंट कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं अगर आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए आपको ज्ञान चाहिए तो यू कैन फॉलो योर महंगे वाला सर वो आपको पढ़ाएंगे बारह पंद्रह छः बीस हजार रुपये लेके अपन करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें सारी अपन एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें करने वाले हैं तो फटफट -फट निकाल लीजिए आपके पास अगर आपके टीचर की बुक है अगर आपके पास मेरे नोट्स है यहाँ पर आपको नीचे अगर नहीं मिले तो यू कैन गो टू डब्ल्यू डॉट लेट्स इन इंडिया डॉट इन वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो नहीं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको हम ले सकते हो अच्छा जरूर बताएगा कैसा लगा आपको पसंद आया नहीं आया डू लाइक कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स और मैक्सिमम लोग को बेनिफिट मिले एंड थैंक यू फॉर द लव यू हैव शोन ऑन यूट्यूब एंड बाय कमेंटिंग इट एंड बाय लाइकिंग इट सो दैट पता समझ में आता है कि हाँ लोगों को पसंद आ रही चीज़ है तो थ्री टॉपिक्स लेफ्ट दैट्स आई बी सी फेमा एंड सभी पहला सर इंसॉल्वेंसी होता क्या सर इंसॉल्वेंसी कैन बी यूज फॉर इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट बेसिकली कॉर्पोरेट्स एक वो स्थिति है स्थिति मेरे पास पैसा नहीं है सर पीसा कौन नो मानी नो मानी बट नो मानी नो मानी So it's a state where an individual or a company, it's a sthiti, it's a paristhiti, it's a situation where an individual or a company are unable to pay the debt, are unable to pay the debt. And, and, the value of assets held by them are less than the liability and the value of the assets held by them are less than the liability sir it's an individual or a company where they are unable to pay the debt and the value of assets held by them are less than the liability that situation is called as guy's insolvency अच्छा अगर इन्सॉल्वेंसी ट्रीट कर दी है अच्छी बात है अगर ट्रीट नहीं की इन केस ऑफ इंडिविजुअल इट विल रिजल्ट इंटू बैक्रप्सी इन केस ऑफ कंपनी इट विल रिजल्ट इंटू लिक्विडेशन इन केस ऑफ इंडिविजुअल इट विल रिजल्ट इंटू बैंक इन केस ऑफ कंपनी इट विल रिजल्ट इंटू लिक्विडेशन फिर सर सेक्शन वन अब यहां पर अपन एक्ट नहीं बोलते हैं क्या कहता है सर सेक्शन वन ऑफ आई बी सी टू थाउज इल ऑफ इंडिया इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया ना तो सेक्शन वन क्लियर स्टेट सर इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया क्लियर into force on इन May 2016. Not important at this level because it was just जस्ट for your knowledge. अब हमारे पास exam होती थी जब November 17 में जब पहली बार आया था तभी कुछ काम करता था अभी कुछ काम का अच्छा इसमें आईबीआई में कुछ authority से बच्चों कौन कौन से authority से सर सर एक है corporate के लिए corporate की authority कौन होगी एनसीएलटी दिख नहीं रहा है पर मैं आपको बताया था एनसीएलटी तो,

सिक्स जी में बट पेपर नंबर फोर में कुछ काम करें हमारे जो काम किया कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी हमको हमेशा सी आई आरपी चलेगा कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस नाउ सर कौन कौन से डिपार्टमेंट यहाँ पर सर एक होगा आई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल पढ़े लिख लोग अपन जैसे लोग होते जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी जो इनको मैनेज करती है इनका सिलेबस क्या होगा क्या क्वालिफिका हो, उनकी बात सर यहाँ पर लिखी हुई सारी फिर आगे इफॉर्मेशन यूटिलिटी इनॉर्मेशन यूटिलिटी मतलब क्या सर एक डिपार्टमेंट जहां पर सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है तो आईपी आई पी ए आई यू आई पी आई पी ए आई यू ना सो मेरा पहला क्वेश्चन आता है सर कि यह कोड किसको एप्लीकेबल है सेक्शन नंबर कौन सा बच्चों टू पर ये कोड किसको एप्लीकेबल है सर द कोड इज एप्लीकेबल टू सर कोड इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑल मतलब सर सब, सब मतलब सब 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 सब, सब, सब कौन सा कंपनी कंपनी को एप्लीकेबल है सर कंपनी गवर्नमेंट बाय सर स्पेशल एक्ट उनको एप्लीकेबल सर एलएलपी उनको एप्लीकेबल है सर एनी द बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय सीजी सर उनको एप्लीकेबल सर पर्सनल गारंटर्स पर्सनल उनको भी एप्लीकेबल सर पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप इंट्रोप्रेटरशि उनको एप्लीकेबल एंड इंडिविजुअल्स अदर देन इंडिविजुअल्स अदर देन इंडिव्यूज तो इस पे आपको एमसीक्यू आ सकता है कोई क्वेश्चन आ सकता है कि कोड किसको एप्लीकेबल है कोड किस को एप्लीकेबल है सर कंपनी को एप्लीकेबल है स्पेशल एक्ट कोबल है एल पी को एप्लीकेबल एनी अर बॉडीकेबल है पर्सनल है सेक्शन नंबर टू सेक्शन नंबर टू सेक्शन नंबर टू ठीक है देन अच्छा द कोड डस नॉट कवर बैंक एफ आई इंश्योरस कंपनी सर रिस्ट्रक्शन कंपनी म्यूचुअल फंड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम ऑफ पेंशन फंड इनको एप्लीकेबल नहीं है मतलब अगर इन्होंने डिफॉल्ट डिफॉल्ट कर दिया तो आप इनके खिलाफ कंप्लेन नहीं कर सकते अच्छा फिर वो क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है आईबीसी इज एप्लीकेबल टू एनबीएफसी पर सब एनबीएफसी नहीं सब एनबीएफसी के नहीं सर इट इज एप्लीकेबल टू एनबीएफसी विद एनबीएफसीट साइज ऑफ पांच करोड़ और मोर पांच करोड़ और मोर मतलब सर मिनिमम मिनिमम पांच करोड़ मिनिमम पांच करोड़ एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट इसका मतलब क्या होता है सर एनबीएफसी को के लिए मतलब सर क्या एनबीएफसी के खिलाफ अपन लोग कंप्लेन कर सकते हैं कि एनबीएफसी कंप्लेन करेगी सर आप एनबीएफसी के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो इनके अगेंस्ट कंप्लेन कैन बी फाइल थ्रू आईबीसी इनके अगेंस्ट कंप्लेन कैन बी फाइल थ्रू आईबीसी क्लियर सो बहुत बहुत इजी है बहुत सिंपल है सर so, आईबीसी किसको एप्लीकेबल है सबको एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग एनबीएफसी बट नॉट ऑल एनबीएफसी इट्स एप्लीकेबल टू दैट एनबीएफसी जिसका असेट साइज है असेट साइज है मिनिमम मिनिमम 500 करोड़ मिनिमम 500 हंड्रेड क्लियर आगे बढ़ते अपन अभी नेक्स्ट नेक्स्ट है अपनी डेफिनेशन की खाली मैंने क्या लिखा है सेक्शन थ्री एंड फाइव में कुछ डेफिनेशन है वॉट यू हैव तो टू री रीड कॉरपोरेट पर्सन कौन होता है डेट क्या होता है डिफॉल्ट क्या होता है एजुडेटिंग अथॉर्टी मतलब एनसीएलटी एनसीएलटी सुप्रीम कोर्ट एंड उधर डीआरटी डी एंड सुप्रीम कोर्ट कॉर्पोरेट एप्लीकेंट कौन होता है फाइनेंशियल क्रेडर कौन होता है वॉट इज इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन पीरियड कितना होता है एंड वोटिंग शेयर क्या होती है ये कुछ डेफिनेशन आपको रीड करनी पड़ेगी ठीक है आप मॉड्यूल से निकाल सकते हैं आपके ऑथर की बुक होगी आप उनसे रीड कर सकते हैं डेफिनेशन खाली समझने के लिए एमसीक्यू के लिए डिस्क्रिप्टिव में कुछ काम नहीं आता डिस्क्रिप्टिव में कुछ काम नहीं ठीक है ना नेक्स्ट पॉइंट सी का ओवरव्यू क्या है सर कुछ स्टेप्स है क्या स्टेप्स है अपन देख लेते क्या है देख लीजिए अब पूरा चैप्टर ये डायग्राम पे आपका बेस्ड है पूरा इसी पर चलने वाला भैया जो भी ज्ञान वाला सर इसी पे इसी पर है क्या बोलते हैं सर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस क्या बचो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस सर पहला चीज क्या है एक कंपनी है कंपनी ने क्या क्या है लोन ले रखा था लोन 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 ले रखा था तो क्या होगा बैंक ने लोन दिया होगा बैंक so में जब पैसा दे बो हो जाएगा उसके लिए एफ सी क्या हो जाएगा चो एफ सी फाइनेंशियल क्रेडिटर अरे सर हमारी कंपनी थी ए बी लिमिटेड हम लोगों ने माल ले रखा था माल 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 हमने माल ले रखा था तो भैया जिसने माल दिया हमको हमने उसके पैसे नहीं दिए वो हो जाएगा ओ सी ओ सी ऑपरेशनल क्रेडिटर ऑपरेशनल क्रेडिटर या फिर सर कॉर्पोरेट डेटर खुद कॉर्पोरेट डेटर मतलब खुद को मतलब सर कॉर्पोरेट एप्लीके मतलब कौन मतलब, हो गया कंपनी खुद हो गई मतलब डायरेक्टर्स हो गए शेयर होल्डर्स हो गए इन केस ऑफ एल एल पी इन केस ऑफ एल पी पार्टनर हो गए वो लोग लो अप्लाई कर सकते हैं तो सर तीन लोग अप्लाई कर सकते हैं कौन कौन सर एफ सी ओ सी सी डी

सर वॉट डू नो दर्ड आई आर पी इट इज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन पर्सन कौन हो जाएगा इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन पर्सन जैसे मैं बोलता हूँ एक झुंड होगा एक झुंड एक पूरा झुंड है इसमें बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे लोग हैं सर ये बहुत सारे लोग कौन है सर लोग पढ़े लिखे लोग हैं ये पैनल होता है इंसॉल्वेंसी का पढ़े लिखे लोग कौन सा सी ए सी ए सी एम ए लॉयर्स एम बी ए जिन्होंने इंसॉल्वेंसी का कोर्स कर रखा है एग्जाम एग्जाम दिया वो लोग इस इस झुंड में चले गए इस झुंड में से क्या होगा शाहरुख खान को अपॉइंट किया जाएगा अब वो कैसे अपॉइंट ठीक है शाहरुख खान इज बेसिकली यारी सर शाहरुख खान सबसे पहले आते क्या कर देगा सर ही सीओ सी सीओ सी सीओ सी कॉमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जैसे सीओसी बन गया

पहले कौन होता है वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल फिर जैसे उसको सिलेक्ट कर दिया आप मुंबई आ रहे हो आप रोडी हो आपको मिलती है तकदीर की टोपी आप बन जाओगे आईआरपी इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अरे अरे क्या गाया है क्या टास्क परफॉर्म किया है तुमने क्या नाचे तुम नच तुमको हम आगे लेके जा रहे आगे क्या बन जाओगे आप रेजोल्यूशन प्रोफेशनल तो वही इंसान है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एंड देन अपॉइंटमेंट कंफर्म होते रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शाहरुख खान क्या करेगा सर वो फैक्ट्री में देखेगा घूमेगा यहां वहां अच्छा इतना मशीन है ओके

इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम के बाद क्या करेगा वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगवाएगा मतलब ए मार्केट में कोई कंपनी है जिसको ये कंपनी को खरीदने का तो आ जाओ ए अपना टेस्ला हीरो आ जा अली बा तू आ जा तू आ, आ जा तू आ जा, जा बड़े बड़े लोग है वाले अपना टकलो जय बेजॉज भैया तुम आ जाओ तुम आ जाओ जा, अरे आओ 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 अरे आओ किसी को अगर इंटरेस्ट है तो पूरी की पूरी कंपनी चल जाएगी अब इसमें अपने को पॉइंट नंबर सेवन एग्जाम में नहीं आ सकता क्योंकि मॉडल में नहीं दिया हुआ है अच्छा फिर क्या होगा वो जो छिट्टी बनाई छिट्टी का मतलब कैसे इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम वो सबको बांट दिया जाएगा मतलब वो एडवर्टीजमेंट चला जाएगा कि देखो ये यही आसेट है फिर क्या होगा प्लान आएंगे अभी फॉर एग्जाम्पल कोई क्रेडिटर है ऑपरेशनल क्रेडिटर बोलते भैया मैं तो माल दिया था एक काम करो सर चार पंखे लगे आपके घर में आई मीन फैक्ट्री में तो तीन बेच दो मेरा पैसा निकल जाएगा तो एक प्लान आ गया अच्छा कोई बैंक वाले ने उधारी दी थे तो बैंक वाला कौन सा फाइनेंशियल क्रेडिटर ओके okay, सर एक काम करो चार मशीन है तीन मशीन बेच दो सर एक में चलाइए मेरा पैसा आ जाएगा तो हर एक के प्लान आएंगे तो ये इतने सारे प्लान इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा द सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान बाय द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स एप्लीकेंट्स कौन जिनको तकलीफ हुई है इस कंपनी से जिनको तकलीफ है सी जिसने एप्लीकेशन की वो कोई भी हो सकता है एफ सी भी हो सकता है ओ सी भी हो सकता है सी डी भी हो सकता है पर एप्लीकेंट तो सर सब, सब लोग हो सकते हैं ना जिनको कंपनी के साथ कोई रिश्ता है अब फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ रणबीर कपूर है अब रणबीर कपूर का कंपनी से कोई रिश्ता ही नहीं है तो वो क्यों एप्लीकेंट बनेगा हाँ हमने सर माया माल दिया था बैंक ने जब पैसा दिया था भले जैसे एच डी एफ सी ने पैसा दिया एस बी आई ने भी पैसा दिया एच डी एफ सी ने अप्लाई कर दिया है एच डी एप्लीकेशन कर दिया तो ये ट्रिगर हो गया ये प्रोसेस तो ट्रिगर हो गया तो एप्लीकेंट्स के एप्लीकेंट सब लोग कोई भी एप्लीकेंट बन सकता है कोई भी एप्लीकेंट बन सकता है अब सारे के सारे प्लान क्या होंगे अपना जो हीरो शाहरुख खान एक एक दिन चेक करेगा तो जो जो क्राइटेरिया मीट अपन पढ़ेंगे क्राइटेरिया क्या है आगे जैसे जैसे क्राइटेरिया मीट होता गया बच्चों अब वो प्लान आगे जाएगा किसके सामने रखा जाएगा सर सीओसी के सामने किस के सामने बच्चों सी तो दैट्स नाइन पॉइंट सर दो बातें हो सकती है सर नाइन ए प्लान अप्रूव हो सकता है प्लान अगर ए सॉरी अच्छा सीओसी ने अप्रूवल दे दिया पर सर आ दे वो भी पॉसिबल हो सकता है या फिर सर सीओसी ने रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा सर दसवा स्टेप लिक्विडेशन दसवा स्टेप क्या हो जाएगा लिक्विडेशन 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 लिक्विड है सब प्लान या तो अप्रूव हो जाएगा तो रिजेक्ट हो जाएगा प्लान अगर अप्रूव हो गया सीओसी तो आगे जाएगा आ के पास आने अप्रूव आज अच्छी बात है अगर प्लान रिजेक्ट हो गया तो सीओसी ने रिजेक्ट कर दिया या तो सर मैं कहता तो हूँ सीओसी ने अप्रूवल दिया पर आ ने रिजेक्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा वो लिक्विडेशन भैया 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 पूरा आंसर ये डायग्राम पर टिका हुआ है पूरा का पूरा 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 का पूरा आंसर पूरा का पूरा चैप्टर ये डायग्राम पर टिका हुआ है एन इसी के साथ बच्चों मुझे बहुत ही खुश हो रही खुशी हो रही है आपको ये बताते हुए खत्म फिनिश समाप्त ज्यादा रेस में नंगा महंगा दौड़ाए बगाया तुमको समझा अभी इसी को अपने को इंडेप में पढ़ने का यही चाहिए यही चाहिए अपने को इंडेप में इसी को पढ़ने का अभी ठीक है सर क्या हुआ सर तीन लोग हैं कौन कौन एफ सी ओ सी सी डी फिल्मी का कंप्लेन टू आ आ क्या करके झुंड में से उठाएगा किसको इंसॉलमेंसी प्रोफेशनल से आदमी को अपॉइंट कर जाएगा वो हो जाएगा मेरा आईआरपी आर 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 प्रोफेशनल सर व्या होगा सर वो हो सर वो 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 सी ओ सी जैसे बन जाएगी अपना अपॉइंटमेंट पहले साष्टांग नमस्कार मेरे को अपॉइंटमेंट कन्फर्म करो कन्फर्म करो मेरा अपॉइंटमेंट तो उसका अपॉइंटमेंट हो जाएगा वो बन जाएगा आर फिर क्या बनाएगा वो इनफॉर्मेशन मिलना डिटेल्स कलेक्ट करेगा फिर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरस अपॉइंटमेंट मंगवाएगा फिर प्लान्स आएंगे एप्लीकेंसी जैसे अपना लगे वो चेक करेगा चेक करके किसके सामने लगेगा सीओ सी के सामने सीओ से क्या करेगा उसको अप्रूव कर देगा अप्रूव कर दिया अच्छी बात है आगे अप्रव लगेगा एनसीएलटी का सर या वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं या सीओ सी ने रिजेक्ट कर क्या हो जाएगा कपनी लिक्विड कंपनी बंद खत्म यही है अब आईसीआई आपको ये दस स्टेप्स में से कहीं भी आपको छेड़ सकता है पहला लेट्स डू इट वन बाय वन सर इनिशिएशन ऑफ सी बाय पी क्या कहता है सर पहले एफ एफ सी कौन होता है सर एफ सी मतलब सर जिसने हमको क्या दिया है पैसा पैसा दिया कौन होता है पैसा तो दे सर बैंक बैंक सर एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन तो क्या बराबर बैठेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है उनको एच डी एफ सी बैंक ने पैसा दे रखा था ठीक है कंपनी है बैंक ने पैसा दिया तो एफ सी हो गया सर मुकेश ने पैसा नहीं दिया मुंबई इंडियंस हार रहा है अभी आईपीएल में क्या करें पैसा ही नहीं है इतना पैसा उड़ाया एजुकेशन स्पोर्ट्स फॉर ऑल मुंबई मैच नहीं जीते हार जा रहे पैसे पे पैसा डूब गया नहीं दिया बैंक का पैसा बैंक चिट गया बैंक बोला उधर ही रुक मुखिया उधर ही रुक तेरे को अभी दंगा करता मैं मैं गया किधर आ के पास बैंक गया किसके पास पास आ के डिफॉल्ट डिफॉल्ट मतलब क्या नॉन पेमेंट ऑफ अ ड्यू वेदर इन पार्ट और फुल और इंस्टॉलमेंट

जैसे लॉयर वॉयर हो गया कोई कंप्लेन कर दी कोई रिप्रेजेंटेटिव हो गया कर दी कोई अच्छी कोई बात कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं मेक मेक एन एन एप्लीकेशन एप्लीकेशन विद विद क्या क्या रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट क्या पैसा नहीं दिया कितना ई नहीं दिया नेम ऑफ दी आर पी तब यहाँ पर क्या जाएगा नेम ऑफ दी आर पी मतलब वो झुंड में से बैंक वाला एक नाम निकालेगा चलाओ झुंड में देखो कौन कौन है शाहरुख रुक तु रुक वहां पर कौन है सचिन तू भी आना चाहता है ओके ओके धोनी तू भी आना चाहता है ओके okay, ओके okay.

सबीआई का डिफॉल्ट होता वो लोग ने भी कंप्लेन नहीं किया कोटक का तो डिफॉल्ट ही नहीं हुआ एच डी एफ सी एसबीआई का डिफॉल्ट हुआ था पर वो ने कंप्लेन नहीं किया पर कोटक का तो डिफॉल्ट ही नहीं हुआ Now, Sir, नहीं। ही नहीं ना कोटक वॉन्ट टू मेक इंडिविजुअल एप्लीकेशन सर नहीं क्यों क्योंकि डिफॉल्ट नहीं हुआ ना अभी तक तो सी जिनके साथ डिफॉल्ट हो गया चिपक जाओ उनके साथ चलेगा पर आप अकेले नहीं जा सकते क्योंकि पॉइंट क्या बोलते हैं ऑन देर है डिफॉल्ट अरे डिफॉल्ट होना चाहिए ना तभी तो तुम एप्लीकेशन करोगे तो अगर एक ऐसा बैंक है एक ऐसा ऐप है जिसके प्रति कोई डिफॉल्ट ही नहीं हुआ है वो अकेला एप्लीकेशन नहीं कर सकता वो जॉइंट एप्लीकेशन कर सकता है वो अकेला एप्लीकेशन नहीं कर सकता है जॉइंट एप्लीकेशन कर सकता है जिस पार्टी ने कंप्लेन कर दिया क्योंकि उनके प्रति डिफॉल्ट होना चाहिए बिकॉज मोस्ट इंपोर्टेंट इंपोर्ट इज डिफॉल्ट सर आ क्या करेगा आ विद इन डेज आ क्या करेगा बच्चों आ विद इन फोर्टीन डेज ऑफ द ऑफ रिसीप्टिल डिसाइड क्या सर या तो डिफॉल्ट हुआ है या तो डिफॉल्ट नहीं हुआ है एंड एप्लीकेशन इज कंप्लीट एंड नो डिसिप्लिनरी डिसिप्लिन इज पेंडिंग अगेंस्ट द आरपी

I will communicate the order whether it is accepting or rejecting within seven days. So अगर accept कर दिया किसको कम्प्लेन करेंगे एफ सी को देगा order क्यों क्योंकि भैया तेरा order accept हो गया क्योंकि तुमने कंप्लेन का था सी डी को जाएगा क्योंकि तेरे खिलाफ कंप्लेन हुआ है रिलायंस तेरे प्रति कंप्लेन हुई है सर इफ rejected एफ सी को दे देगा भैया ठीक है मैं आपका order reject करता हूँ अच्छा very important point है सी आई 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 आर पी मतलब कॉर्पोरेट इंसॉलवेंसी रेजोशन प्रोसेस विल कमेंट फ्राम दी डेट फ्राम of डट ऑफ एडमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फ्राम of डट ऑफ एडमिशन ऑफ

फिर एक अपने पॉइंट पड़ता कि ऑन बिहाफ तो कौन कौन कर सकते हैं कंप्लेन ऑन बिहाफ सर कोई गार्जियन कर सकता है गार्जियन गार्जियन गार्डियन बोल लो साहब बाबा मैं साफ दिली व्यू कैंट्रोल गार्जियन अपने जैसे मेरे जैसे बच्चे जो है अपने हिंदी मीडियम से आए गार्जियन गार्डियन एन एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन स्टेट और ऑफ अ फाइनेंशियल क्रिएटर कोई एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटर वो कर सकता है कोई ट्रस्टी इंक्लूडिंग डिबेंचर ट्रस्टी वो कंप्लेन कर सकते हैं और एनी पर्सन ड्यूली ऑथराइज बाई द बोर्ड ऑफ अ कंपनी वो भी कंप्लेन कर सकते है, को कोई भी कंप्लेन कर सकते है भी आप पे ठीक है ये चार लोग हैं कंप्लेन कर सकते है। सर एप्लीकेशन फॉर सी आर पी अंडर सेक्शन ट्वेंटी बाय मिनिमम हंड्रेड क्रिएटर अगर कोई पर्टिकुलर क्लास है इन दैट क्लास और वन टेंथ ऑफ टोटल, वन टेंथ ऑफ टोटल नंबर इन दैट क्लास सर एप्लीकेशन फॉर सी आर पी अंडर सेक्शन ट्वेंटी वहां पर एक पर्टिकुलर क्लास दे रखिए दिखा दो तो आपको कौन सी शेल ज्वाइंटली फाइल्ड एप्लीकेशन बाई मिनिमम हंड्रेड क्रिएटर्स इन दैट क्लास और वन टेंथ ऑफ दंबर ऑफ क्रिएटर्स इन दैट पर्टिकुलर क्लास अब देखो मेरा फाइनेंशियल डेट इज इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज़ और डिपॉजिट इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल डेट प्रोवाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ ट्रस्टी और एजेंट टू एक्ट ऑथराइज क्या 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 इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज़ और डिपॉजिट है वो लोग ठीक है और इज ओ टू अ पर्टिकुलर क्लास कोई पर्टिकुलर जैसे डिवेंचर होल्डर्स हो गए तो उनके लिए अगर कंप्लेन करनी है ना अगर उनको कंप्लेन करनी है जैसे अगर उनके पैसे रिपे नहीं होते तो वो लोग कंप्लेन करेंगे तो इट्स अ अडिट ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास तो कितने लोग कंप्लेन कर सकते हैं सर हंड्रेड क्रेडिटर्स कितने बच्चों हंड्रेड क्रेडिटर्स और वन टेंथ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्रेडिटर्स इन दैट पर्टिकुलर क्लास विच लेस इतने लोग कंप्लेन करेंगे सर एन एप्लीकेशन फॉर सी आर पी बाई एफ सी हू आर अलॉटेजर रियल इस्टेट प्रोजेक्ट अभी फॉर एग्जाम्पल अब ध्यान से सुनना एक फॉर एग्जाम्पल मैं हूं इंडिविजुअल ए बी बॉम्बे का एक बिल्डर है लोडा बिल्डर्स ठीक है लोडा बिल्डर्स लोडा बिल्डर्स ने मैंने यहाँ पर फ्लैट बुक किया था फ्लैट फ्लैट तो अपन एक वन रूम किचन बुक कर लेते अपन गरीब आदमी उस पर रह लेंगे अब मैंने इनको दो करोड़ रुपए का फ्लैट बुक किया था वन रूम किचन का

मैं तो पैसा दे तो सर आप हो जाओगे एफ तो आप कर सकते हो पर आप अकेले नहीं कर सकते सर कितने लोग कंप्लेन करेंगे सर एन एप्लीकेशन पर सीआरपी बाई एफ सी वर अलॉट इस अंडर रियल स्टेट प्रोजेक्ट ध्यान रखें तो फाइनेंशियल डेट बोलते हैं फाइनेंशियल डेट कितने लोगों के सर मिनिमम हंड्रेड सच अलॉट इज अंडर सेम रियल स्टेट प्रोजेक्ट और और वन टाइम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सच अलॉट अंडर सेम रियल स्टेट प्रोजेक्ट विच एवर इज लेस एवर इज लेस तो सेम पॉइंट क्योंकि आप एक पर्टिकुलर क्लास हो गए तो रियल स्टेट वाले रियल स्टेट वाले कंप्लेन कर सकते हैं सर सौ लोग भी प्रोजेक्ट तो लोटा no no का और फिर एफ सी अगेंस्टर इज नो डिफॉल्ट एफ सी अगेंस्टर इो एप्लीकेशन इंडिविजुअल जो मैंने कोटक का एक्साम्पल दिया बट इट कैन फाइंड जॉइंटली विद अदर एफ सी प्रोवाइडेड प्रोवाइडेडॉल्ट देर डिफॉल्ट अगेंस्ट सच एफ सी डिफॉल्ट अगेंस्ट सच एफ सी क्लियर हो गया सच एफ सी क्लियर एफ सी के जितने भी बातें थी मैंने आपको सारी बता दी तो इंश्योर कहीं भी आपको क्वेश्चन टेस्ट कर सकता है सर विदड्रॉवल ऑफ एप्लीकेशन सर विद्रॉ कब कर पाएंगे अपन सर ध्यान से सुनना अभी सर बिफोर एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन कभी भी कर लो यू कैन विदड्रॉ खाली क्या चाहिए आ का अप्रूवल चाहिए सीआरपी कब शुरू होता है सर सी आर पी कब शुरू होता है फ्रॉम द डेट ऑफ द एडमिशन ऑफ द एप्लीकेशन सर उसने एडमिट नहीं किया उससे पहले आपको विदड्रॉ कर लो खाली आ का अप्रूवल चाहिएगा बट आफ्टर एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन आफ्टर एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन बट बिफोर सीओसी कॉन्स्टिट्यूशन सीओसी बनने के तक तक सी बनानी सीओसी आई आर पी सीओसी बनाएगा सीओसी से तो बना खाली क्या चाहिए का अप्रूवल चाहिए तो दोनों केस में का अप्रूवल चाहिए बट सीओसी बन गया उसका अपॉइंटमेंट कंफर्म भी हो गया फिर पता है, वो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाता है एक्सप्रेस इंटरेस्ट मंगाता है बट बिफोर बिफोर आई क्या चाहिएगा

बट सीओसी बन गई है बट बिफोर ईओ आई है ई आई बिफोर सेवन आई थिंक उससे पहले आप विद्रॉ कर सकते हो बट कप्लीकेशन फॉर विड्रॉल शाल बी सबमिटेड टू सीओसी सीओसी चेक करके गिव द अप्रूल विद इन सेवन डेज सर कितने लोग अप्रूल चाहिए वोटिंग है बेटर है अप्रवल वहां पर एंड दरपीशल सबमिट आरपी मैंने सर कौन रेजल्यूशन प्रोफेशनल क्यों बोला गया सर क्योंकि उनका अपॉइंट कन्फर्म हो गया उनका अपॉइमेंटफर्म हो गया उनका अपॉइंटमेंट कन्फर्म हो गया है बराबर तो इट विल गिव द अप्रूवल

ंग विस्टिफिकेशन फॉर विड्रॉल ठीक है सेम एस बी पर अलोंग विद जस्टिफिकेशन विड्रॉल हो गया आंसर ठीक है नेक्स्ट अब ओ सी की बात है ओसी एफ सी हो गया ओसी सर ओ सी मतलब कौन जैसे हमने को माल दिया होगा तो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एक कंपनी है ए बी लिमिटेड या ए बी ले लीजिए सर राइट क्योंकि अपन बात करें सी आई आर पी की कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन प्रोसेस तो ये इसकी इसको सीआरपी देखना है ये हमेशा कंपनी होनी चाहिए सामने वाला कोई भी हो ये कौन होगा सर ये सीआरपी ये कंपनी होनी चाहिए बराबर सामने वाला कोई भी हो अब ओ सी या तो ए बी ने तो ए बी लिमिटेड ने माल दिया था सर क्या दिया अपने माल इनको माल भेजा इंपोर्ट ने माल भेजा मैंने इनको इंग्लिश इनको मेरे को पैसा देना था भाई साहब ने पैसा नहीं दिया गरीब आदमी बन गया ये और शैट तो मैं ठोकूंगा इसको कैसे ठोकूंगा सर इसको अपने सर कैसा ठोकूंगा कैसा ना ठोकूंगा सर देर है डिफॉल्ट

माल अच्छा नहीं था अरे मजा नहीं आया मेरे को नहीं 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 अच्छा नहीं था सर मज़ा नहीं आया नहीं 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 मैं पैसा नहीं देगा तो या तो डिस्प्यूट होगा या फिर देखो मैंने आपको पेमेंट कर दी है ये आरटीजीएस की या की डिटेल्स है चेक की डिटेल्स है और पेमेंट ऑफ ऑपरेशनल डेट पेमेंट ऑफ ऑपरेशनल डेट पेमेंट ऑफ ऑपरेशनल डेट अटैचिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर कॉपी और द चेक डिटेल्स कॉपी तो आप पेमेंट कर दो तो पेमेंट का डिटेल्स दे दो दस दिन के अंदर या तो आप बोलो कि मेरे को लड़ने का है या तो आपने पेमेंट कर दिया क्लियर कर दो वहां पर सर फिर भाई साहब दस दिन बीत गए कुछ नहीं आया बीजी है मुंबई इंडियंस में नहीं आया इफ नो रिप्लाइज रिसीव्ड और नो पेमेंट इज रिसीव नो रिप्लाई नो पेमेंट इज रिस और नो नोटिस और डिस्प्यूट इज नो रिप्लाई इज रिसिव्ड नो पेमेंट इज रिसीव नो नोटिस ऑफ डिस्पूट इज तो क्या विल नाउ फाइल एप्लीकेशन टू आर फॉर इनिशिएटिंग सीआईआर मतलब क्या है इसमें आप डायरेक्टली ओसी के, के केस में बच्चों आप डायरेक्टली नहीं जा सकते आपको पहले स्टेप नंबर वन पूरा करना पड़ेगा स्टैम्प नंबर वन क्या है मेरे को डिमांड नोटिस कॉपी ऑफ इनवाइस भेजनी है सर वो मुझे जवाब देगा विद इन टेन डेज कि या तो वहां पर मेरे को लड़ाई करने तेरे साथ या तो मैं पेमेंट कर चुका हूँ जवाब नहीं आया या फिर डिस्प्यूट की कोई बातें नहीं आई या तो पेमेंट नहीं आया तो मैं क्या करूँगा मैं आके पास जाऊंगा आके पास एप्लीकेशन सेम टाइम पास क्या क्या जाएगा इनवाइस कॉपी डिमांड नोटिस एफिडेविट स्टेटिंग दैट नो नोटिस ऑफ डिस्प्यूट इज गिवन अच्छा पेमेंट भी नहीं है तो उसका भी प्रूफ दो सर बैंक स्टेटमेंट अटैचिंग दैट सर देयर इज नो पेमेंट रिसीव्ड एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन बाकी पूरा स्टेप सेम है टू टू फाइव ऑफ आंसर नंबर सिक्स पूरा सेम आंसर है सर आ क्या करके आ विद इन फोर्टी डी डिसाइड सर डिफॉल्ट हुआ है एंड एप्लीकेशन कंप्लीट एंड नोटिस इज अटैच एंड इन्वॉइस इज अटैच एफिडेविट इज अटैच बैंक स्टेटमेंट अटैच एंड इज नो डिस्किल प्रोसीडिंग तो क्या हो जाएगा वहाँ पर उसका हम एक्सेप्ट कर देंगे सर अगर वो और 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 नहीं हुआ तो वो रिजेक्ट कर देंगे सर रिजेक्शन के पहले का सात दिन का मौका देंगे सर वो वात दिन में कम्युनिकेट कर देगा ऑर्डर को बराबर हर पार्टी को हर पार्टी कॉल होगी सर ओसी होगा एंड सी होगा रिजेक्ट कर दिया तो

टोटल नंबर ऑफ द पार्ट होती कॉर्पोरेट क्योंकि एल पी में वेरी टॉक अबाउट कॉर्पोरेट वहां पर एल पी हो जाएगी बराबर तो ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेगी देखो एफ सी में और कॉर्पोरेट एप्लीकेंट में आपको नाम देना पड़ता है शाहरुख खान का नाम ओसी में मैंडेटरी नहीं है ओसी में अगर आपने नाम नहीं भी दिया होगा ना तो हमारा आई बी बी आई ने वो नाम दे देगा वापस बोलता हूँ मैं एफ सी में और कॉर्पोरेट एप्लीकेंट के, के केस में सर आपको नाम देना पड़ेगा कि आपका आई आर पी कौन है तो झुंड में से निकाल के मैंने एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल दे दिया बट ओसी में मैंडेटरी नाम दिया तो अच्छी बात है नाम नहीं दिया सी अंडरस्टैंड क्योंकि एफसी क्या एक बैंक होगा राइट कॉर्पोरेट एप्लीकेंट शेयर होल्डर्स का झुंड होगा दे आर आइडेंटिफाइड पीपल बट सर एक कंपनी रिलायंस जैसी कितने सारे क्रेडिटर्स होंगे ना जिन्होंने गुड्स दे रखा रखो लाइक like, लाखों होंगे सो so, लाखों बोलते मैं कहां से इन्वॉल्वेंसी प्रोफेशनल से नाम ढूंढू आप ही कर दीजिएगा तो so, नाम देना मैंडेटरी नहीं है ओसी में एम सी क्यू में आपको आ सकता है सेम स्टेप टू टू फाइव आंसर नंबर सिक्स सेम आंसर पूरा हो गया आंसर क्लियर नेक्स्ट सर रीजन नॉट एंटाइटल टू इनिशिएट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस सेक्शन नंबर क्या है इलेवन सर ए कॉर्पोरेट डेटा अंडरगोइंग सीआरपी और पी आरपी प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस सर चल रहा है ना उनका अब फॉर एक्साम्पल एचडीएफसी बैंक ने कंप्लेन कर दिया है. अब हम लोग का भी वो लोग ने माल नहीं दिया अब एच डी एफ सी बैंक ने रिलायंस के प्रति कंप्लेन कर दिया है अब हम लोग का माल नहीं दिया तो हम लोग भी कंप्लेन करेगा बराबर हम लोग भी कंप्लेन करेंगे ना बट सर ऑलरेडी कर रखे ना किसे चल रहा है तो आप वापस से कंप्लेन नहीं कर सकते एफ सी और ओ सी अंडर गोइंग पी आई आर पी अच्छा एफ सी और ओ सी के बिकलाते किसने कंप्लेन करके सर वो फिर वो लोग कंप्लेन नहीं कर सकते सर एक कॉर्पोरेटर हैविंग कंप्लीट सीआरपी बारह महीने अरे भैया अभी अभी किसी ने बजाई थी उसकी बारह महीने बीते नहीं अभी तक एक साल का गैप होना चाहिए वापस एप्लीकेशन करने के लिए सर इन रिस्पेक्ट ऑफ हु रेजोल्यूशन प्लान हैज बीन अप्रूव्ड ट्वेल्व मंथ प्रीसीडिंग द डेट ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन अच्छा प्लान अप्रूव हुआ है बारह महीना नहीं बीते प्लान अप्रूव है पर बारह महीना नहीं बीते उनके खिलाफ आप कंप्लेन नहीं कर सकते सर प्लान अप्रूव हो गया था बट द देश वायोलेटेड द टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन प्लान उसके खिलाफ कंप्लेन नहीं कर सकते हो एंड द कॉर्पोरेट डेटर भैया लिक्विडेशन ही हो गया है तो भैया क्या ही कंप्लेन करोगे लिक्विडेशन ही हो गया है यहाँ पर तो क्या ही कंप्लेन करोगे तो so, ये छह ग्राउंड से इनके खिलाफ जब ये अगर सिचुएशन है तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो सर कॉर्पोरेटर चल रहा है दूसरा एफसी के प्रति चल रहा है पी कॉर्पोरेटर अभी 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 सर उनका कंप्लीट हुआ बारह महीने भी नहीं बीते सर प्लान अप्रूव हो गया बारह महीने भी नहीं बीते या तो सी आर का प्लान अप्रूव हो गया तो पीआरपी uh, का प्लान अप्रूव हो गया सर कॉर्पोरेटर वायोलेटेड द टर्म्स या फिर लिक्विडेशन हो गया तो इन छह सिचुएशन में आप कंप्लीट नहीं कर सकते फिर मैंने एक लिखा है एग्जाम्पल रे एग्जाम्पल पेज सिक्स प्लीज डू दैट एग्जाम्पल फ्रॉम द मॉड्यूल सर

अगर आपने पहले सी आर कॉर्पोरेट वाला किया अब आपके साथ वो वो कैटेगरी एमएसएमई की कैटेगरी है वो उसमें भी फॉलो होता है आपके पास हक है पीआरपी में जा सकते हो अब तुमने पीआरपी में भी कर दिया तो प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा सर पीआरपी को किस में दिया जाएगा सर पीआरपी को प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा सर पीआरपी को दिया जाएगा इफ आफ्टर फोर्टीन डेज आफ्टर फोरटीन डेज ऑफ सी है तो प्रेफरेंस प्रीफेंस बी गिवन टू सी आर पी इफ एप्लीकेशन पर सीआरपी फाइनेंस साइमलटेनस ले गया आप पीआरपी में भी फॉलो हो रहे हो क्योंकि आपके वो बेनिफिट दिया गया है ठीक है वो एमएसएमई के लिए तो आपके जो जिसके खिलाफ आपको करनी है वो सारा उसमें भी आ गया है तो आपके पास अगर कर सकते हो तो आपने अगर विद इन फोर्टीन डेज किया तो प्रिफ्रेंस अगर पीआरपी पे आफ्टर फोर्टीन डेज हुआ तो सीआरपी को जाएगा सीआरपी को तो आप क्या एम सी में आ सकते हैं एग्जाम्पल सिक्स पॉइंट थ्री टू है देख लीजिएगा एग्जाम्पल सिक्स पॉइंट थ्री टू पेज पे, Then, सर, देस 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 देस। <ईकिया> <नाँगे> पे. देन सर टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ बी कंप्लीटेड विद विद इन सर पीआरपी शुल भी कम्पलीटेड विदिन 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 वन एटी डेज ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन सर कब होता है जब विदिन सीआरपी है वहां से आपको एक सौ अस्सी दिन मिलेगा सर आपको एक्सटेंशन मिल सकता है नब्बे टोटल टू सेवेंटी डे सर एक्सटेंशन ऐसे नहीं मिला कितने लोग वोट करेंगे सर सिक्सटी सिक्स परसेंट ऑफ दोटिंग शेयर कितने लोग वोट करके लोग एंड पास रेजोन मेक एन एप्लीकेशन टू आ सर द सी आर पी शर्मेटरी टू सेवेंटी डेज बराबर टू बार मिलता है एक्सटेंशन एक ही बार मिलेगा अब बट एक डेज है थ्री थर्टी डेज का अब थ्री थर्टी डेज क्या है ध्यान उसमें नॉर्मली हमेशा अगर आपको वन एट्टी डेज ही मिलेगा एक्सटेंडेड नाइन्टी डेज टोटल टू सेवेंटी बट अगर कभी कोई आपका कोई लीगल केस चल रहा है जैसे अभी एमेजोन का चल रहा था फ्यूचर uh, ग्रुप के साथ चल रहा है तो सरकार क्या कहती है तुमको जो खेलने का है कूदने का है करो जितना एक्सटेंशन लाने का लाओ जितना स्टे ऑर्डर लाने का लाओ सब मिला के के मैक्सिमम 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 सब मिला मुलू के कितना 330 दिन तो अगर मैं जनरल टाइम लिमिट बोलू तो इट इज नॉट 330 थर्टी डेज इट इज नॉट 330 थर्टी डेज इट इज नॉट थ्री इट इज वन ओनली हर कंपनी के लिए 180 प्लस नाइनटी ही है बट अगर आपका कोई लीगल केस रहा है अब हर एक का तो लीगल केस नहीं चलेगा कोई स्पेसिफिक कैटेगरी का लीगल केस चल रहा है चलने दो सर सर जब वो लीगल केस चल रहा है ना वहां पर तो अगर उसको भी कुछ एक्सटेंशन तो सब मिला के इट इज टोटल थ्री थर्टी डेज बट थ्री थर्टी डेज का बेनिफिट इज नॉट गिवन टू बचो एवरी इट इज नॉट गिवन टू एवरी ध्यान रखना इट इज नॉट गिवन टू एवरी वन सो विद इन थर्टी डेज फ्रॉमेंट पीरियड ऑफ सीआरपी ग्रांडेड एंड द टाइम टेकन इन लीगल इन रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन टू सच प्रोसेस ऑफ सब रेजुल थ्री थर्टी डेज है सब मिला के थ्री थर्टी डेज क्लियर ना no. तो बच्चों मैंने अभी आपको सिखाया है स्टेप नंबर वन वॉज डिफॉल्ट स्टेप नंबर टू वॉज एप्लीकेशन बराबर डिफॉल्ट मतलब सर पेमेंट नहीं किए अब तो टूक हो गया मैं पढ़ा रहा थ्री थर्ड स्टेप अपॉइंटमेंट ऑफ आई अभी हम लोग आ गए यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ आई पर आ गए भाई देखो मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीजें सिखा रहा हूँ किसी को अगर ज्ञान चाहिए तो आपके सर ने करा रखा होगा आप उनको रेफर करो अपन खाली एग्जाम के रिविजन के लिए कह रहे हैं सर आई बहुत सिंपल है वो झुंड है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल उसमें से अपने नाम निकाला सो एफ सी और सी डी में तो नाम गया होगा एफ सी और कॉर्पोरेट एप्लीकेशन में ओ सी में नाम नहीं आया होगा बराबर सो so, देखो आर पी क्या इंसॉलवेंसी प्रोफेशनल अपॉइंटेड टू कंडक्ट दी आर एंड इंक्लूज आई आर इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशन इफ एप्लीकेंट प्रपोजेज फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ इन्सॉलवेंसी प्रोशन नाम है नाम है सो वील ऑप्टेड रिटर्न कम्युनिकेशन फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल फॉर अपॉइंटमेंट एज आई सो नाम दिए तो नाम वाले को आप अपॉइंट कर दोगे सर बराबर पर सर अगर नाम नहीं दिया है

तो वो करने के लिए आपने को सब चीजें रोकनी पड़ेगी क्योंकि तो अभी स्टॉक काउंट करूंगा मैं फैक्ट्री काउंट करूंगा क्या मशीन है देखूंगा बराबर तो भैया सब थम जाएगा सब मतलब सब 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 सब, सब कुछ थम जाएगा शांति का प्रकोप फैलेगा हर जगह पर इट विल बी कंप्लीट लॉकडाउन नेशन वाइड लॉकडाउन इन द कंपनी इन द कंपनी इन कंपनी सब थम जाएगा तो उसको हम प्यार से कहते हैं मोराटोरियम क्या कहते हैं मोराटोरियम

लोगों ने कंप्लेन किया हम इसके अभी खोल खोल के लेंगे 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 अच्छा ए गाँव दुनिया वालों आओ आओ ये के लग गए। किसी का भी पैसा अगर बचा है तो बताओ कॉलिंग फॉर द्लेम आई आर पी अंडर तो भैया नाम 16। तो मोरेटोरियम तो डिक्लेयर कर देंगे अपन अंडर फोर्टीन लोगों का क्लेम मंगाएंगे अपॉइंट द पी अंडर सिक्सटीन सोलह साल का बच्चा शाहरुख खान आया आप उसका आप, आप कर दीजिए तो एग्जाम में आ सकते एमसी की तीन दिन के अंदर सर पब्लिक अनाउंसमेंट में क्या क्या जगा? ये एग्जाम में आ चुका है गाँव दुनिया को बताओ सर कौन सी कंपनी की बज रही है अच्छा

असल वसल बेच नहीं सकते हो ट्रांसफर नहीं कर सकते हो अच्छा सर फेजी एक्ट के अंदर कुछ एनफोर्समेंट नहीं हो सकता। बाप है भैया आईबीसी सबका बाप सबका मालिक एक आईबीसी है। रिकवर ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय द ओनर और द लेसर अच्छा फॉर एग्जांपल हम लोग जेसीबी लेकर आए थे रिलायंस वाले जेसीबी रहे थे जैसे मुंबई में जेसीबी की खुदाई अब जेसीबी एल से लेकर आए थे लीज पर लीज पर तो क्या सर अगर चल चालू हो गया है और लोगों को पता चल गया क्योंकि पब्लिक अनाउंसमेंट हो गया कि भैया रिलायंस की बच रही है क्या एल एन टी वाला अपना अपना वो जे लेके आ सकते हैं नहीं नहीं लेके आ सकते वो रखा है वहीं रखा हुआ है बाद में लॉकडाउन के बाद लेके ले ले जाना अभी नहीं लेके ले जा सकते आप अब भी नहीं लेके जा सकते ठीक है अब भी नहीं लेके जा सकते फिर द सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स और सर्विज शेल नॉट बी टर्मिनेटेड और सस्पेंडेड ड्यूरिंग द मोराटोरियम नाउ व्हाट आर एसेंशियल गुड्स वो डिफाइन करते रहेंगे लोग कर दिया वैसे भी डिफाइन कर दिया सर द एक्ट प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग मोराटर्न पीरियड शेल नॉट अप्लाई इन सच ट्रांजेक्शन मे बी नोटिफाइड बाई सी जी इन कंसल्टेशन विद एनी फाइनेंशियल सर्विस वो बता सकता जैसे ये चीज़ें अलाउड है ये चीज़ें अलाउड है जैसे जब लॉकडाउन हुआ था तो मेडिकल सर्विस को अलाउड कर दिया था मेटर्निटी बेनिफिट मेटर्निटी चीज़ों को अलाउड कर दिया था एसेंशियल कम्योनिटीज बता दिया था बराबर तो सेम चीज यहां पर भी होगी वो क्या होगी वो सी जी बताएगा ड्यूरिंग मोराटर्ट शेल नॉट अपलाई टू अ श्योरिटी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी टू अ कॉर्पोरेटर ओहो श्योरिटी मतलब सर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है एच डी एफ सी बैंक का लोन है और ए बी यहां पर गारंटर है तो ए बी ने क्या था रिलायंस के प्रति एच डी एफ सी बैंक को गारंटी दी अब मैंने क्या बोला सर सब कुछ थम जाएगा सब मतलब सब अब बैंक वाला बोलता है ए बी मैं तेरे से पैसा मांगने आ रहा हूं मैं बोलता हूं नहीं 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 ए बी सर हमको सिखाया सब कुछ थम जाएगा थम जाएगा तू तो नहीं आ सकता सब स्टैच्यू है स्टैचू बैंक तू नहीं मांग सकता लॉ बोलते हैं नहीं खास इंसॉल्वेंसी सी प्रोसेस रिकवरी प्रोसीडिंग्स बैंकअपसी प्रोसीडिंग्स क्योंकि आई बी सी तो मैं पूरा सीखे ना एग्जाम में आप लोगों को खाली सीआरबी है कैन बी इनिशियल अगेंस्ट द्योरिटी ऑर गर इवन इफ मोराटोरियम पीरियड इज ग्रांटेड टू द कॉपोरेटेटर तुम ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं रिलायंस तो स्टैचू मैं भी स्टेचू पे क्योंकि मैं तो उसी का हिस्सा हूं ना मैंने उसके तो मैं भी यहाँ पे कैंटेड दिया वो स्टैचू तुम्हें भी स्टेचू ना ना न ना अभी वही तो ऐसा है ना पैसा ही तो, तो चाहिए बैंक को उसने पैसे तभी तो तेरे है ना तो तू तो, तो पैसा देगा तो तू तो पैसा देगा तू तो पैसा देगा देना पड़ेगा क्लियर टिल कंप्लीशन ऑफ सौ व्हाट इज दैट कंप्लीशन 180 दिन पॉइंट नंबर तुमको आना चाहिए बहुत ही मस्त है क्या सर मोराटोर कब रुकेगा सर जब प्लान अप्रूव हो गया होगा या फिर प्लान अप्रूव नहीं हुआ पर लिक्विडेशन का ऑर्डर पास हो गया प्लान अप्रूव नहीं हो गया लिक्विडेशन का ऑर्डर पास हो एक सौ अस्सी दिन खत्म हो गए तो फिर लिक्विडेशन ही होगा ना इफ इफ द द द द द द प्लान ऑर्डर ऑर्डर फॉर फॉर लिक्विडेशन लिक्विडेशन समझा आपको कब रुकेगा या तो प्लान अप्रूव हो गया है तो प्लान इंप्लीमेंट करना पड़ेगा बराबर या फिर से प्लान अप्रूव नहीं हुआ है लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो गया या वन एटी डेज खत्म हो गया प्लान कुछ आया ही नहीं तो लिक्विडेट करा तो मोराटो रुक जाएगा लॉकडाउन खत्म अब क्योंकि प्लान इंप्लीमेंट करना है या तो लिक्विडेट करना है प्लान इंप्लीमेंट मतलब क्या असट बेच के आप ठीक कर दीजिए कंपनी को या फिर सब कुछ है तो कंपनी को बंद करवा दीजिए तो यहां पर एक एक्जाम्पल लगे पेज नंबर सिक्स पॉइंट थ्री सेवन आप देख लीजिएगा पेज नंबर सिक्स पॉइंट थ्री सेवन मॉड्यूल क्लियर नाउ सेक्शन फिफ्टीन तो अभी आई थिंक फोर्टीन होगा मुराठ वाला मुराठ वाला हुआ सेक्शन फोर्टी ये नंबर नहीं है बेटा ये सेक्शन नंबर लिखे हमने यहाँ पर रेफरेंस के लिए अब आ जाइए अपन पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट टर्म्स एंड पावर्स ऑफ आई क्या कहता है सो अब ये कहता है कि इफ द एप्लीकेशन फॉर सी आर पी इज मेड बाई एफ सी या फिर कॉर्पोरेट एप्लीकेट बराबर एंड द नेम इज प्रपोज तो कौन हो जाएगा सर जिसका नाम है वो बन जाएगा मेरा आई आर पी पर सर अगर ओ सी का केस है अगर नाम प्रपोज है तो नाम वाला बनेगा बट सर नाम अगर प्रपोज नहीं है तो आई विल मेक अ रेफरेंस टू द बोर्ड फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल तो सर आई विल मेक अ रेफरेंस टू द बोर्ड एंड देन बोर्ड विल रिकमेंड द नेम बोर्ड मतलब आई बी बी आई आई बी एल रिकमेंड अम ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल देखो बहुत क्लियर है एफ सी और कॉपर एप्लीकेशन में नाम होता तो वही बनेगा सर ओसी में अगर नाम दे रखा है तो सर नाम वाला बनेगा सर नाम नहीं दे रखा है तो आई विल गो टू आई बी बी आई बी विल गिव द न्यू नेम विल टर्म ऑफ आई आर पी क्या बोलोगे आप द टर्म ऑफ आई आर पी एल कंटिन्यू टिल द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर पी द टर्म ऑफ आयर पी एल कंटिन्यू टिल द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आरपी बराबर या तो यही आगे जाएगा शाहरुख खान ने आगे जाएगा या फिर इसके जगह मैं किसी और को अपॉइंट कर लूंगा ठीक है तो उसका टर्म क्या है जब तक आरपी अपॉइंट नहीं होता जब तक आरपी अपॉइंट नहीं होता ओके ड्यूटीज ऑफ पावर्स ऑफ आई आर आपको खाली रीड कर रहे हैं सिक्स पॉइंट थ्री एट पर एज अ डिस्क्रिप्टिव आंसर वेरी रेयर पेपर में आए खाली रीड कर लीजिएगा एक बार नाउ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल सर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन होता है अब क्या हो गया आई पी था उसने सी ओ सी बनाया होगा अब सी ओ सी से उसका अपॉइंटमेंट कन्फर्म हो गया तो सारी बातें यहाँ पर है तो द फर्स्ट मीटिंग ऑफ सी ओ सी शुड बी हेल्ड विद इन सेवन डेज ऑफ कॉन्स्टूश ऑफ सी अगेन सेवन डेज अभी तक फोर्टीन डेज आ डिसाइड करने पर बाकी सब जगह पर सात दिन चल रहे तो मैं इसको बोल रहा हूँ सामूहिक डेज है आई बी सी के वहाँ पर खाली फोटीन डेज आया एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ सीओसी ओ सी द सी बाय मिनिमम सिक्सटी सिक्स परसेंट ऑफ द वोटिंग शेयर इधर कंफर्म हिज अपॉइंटमेंट और रिप्लेस हिम विद ए अदर या तो उसका अपॉइंटमेंट कन्फर्म कर देंगे या तो फिर वो रिप्लेस कर देंगे तो वोटिंग परसेंट अभी तक सिक्सटी सिक्स से चले नाइन्टी परसेंट खाली विड्रॉल में है नाइटी परसेंट खाली विड्रॉल में सर रिप्लेसमेंट ऑफ या तो आई को रिप्लेस करना है एंड उसको आगे आगे आर बनाना है बराबर तो उसके अगर हम किसी और को अपॉइंट करना चाहते हैं या फिर मेरे को शाहरुख खान को चेंज करने का है। तो ईधर ऑफ़ द केस है IRP से RP ले जा रहा है या फिर RP बन गया था मेरे को उसको चेंज करने का कर, तो इफ एट एनी टाइम ड्यूरिंग सी आर पी सी ओ सी वॉन्स इधर आर पी और आई आर पी देन डू इट बाई मेकिंग एन एप्लीकेशन विद्स परसेंट वोट टू आर टू आर तो a को अप्लाई करो आ विल फॉरवर्ड द एप्लीकेशन टू आई बी आई आई बी विल रिप्लाई बैक विद इन टेन डेज विल कम द अपॉइंटमेंट विद इन टेन डेज बहुत सिंपल है सीओ सी वोट करेगा सिक्सटी सिक्स परसेंट वोट के साथ एंड किसको जाएगा आ के पास आ लेके जाएगा एप्लीकेशन को आगे आई बी आई के पास आई बी आई विद इन टेन डेज तो डेज यहाँ पर आ गया आगे नजर टेन डेज ठीक है तो फोर्टीन डेज से आके पास है डिसाइड करके लिए सात दिन हर जगह पर सात दिन है टेन डेज दो जगह पर आए एक तो गया आई बी आई करके दूसरा वो ओसी के केस में ओसी के केस में डिमांड नोटिस दस दिन वाली बात बराबर वोटिंग अभी भी हर जगह पर सिक्सटी सिक्स चल रहा है खाई नाइन्टी परसेंट था विद्रॉल के लिए रेफर फॉर एग्जाम्पल ऑन पेज सिक्स पॉइंट फोर वन रीड करना खाली एक्जाम्पल है एंड रीड रोल एंड ड्यूटीज ऑफ आरपी खाली रीड करना है नॉट सो इंपॉर्टेंट सो द फीस पेबल टू आरपी शैल बी फिक्स एंड इन प्रायोर्टी बिफोर पेमेंट टू एनी क्रेट तो उसको प्रायोर्टी मिलती है हमेशा सर एलिजिबिलिटी टू बी अपॉइंटेड एज आरपी एलिजिबिलिटी टू बी अपॉइंटेड आर पी को कौन बन सकता है शाहरुख खान सर कौन कौन बन सकता है एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज आरपी एज आरपी कब कब इफ ही अगर वो इंडिविजुअल है तो एंड एंड ऑल इज पार्टनर्स अगर वो पार्टनरशिप फर्म है तो एंड डायरेक्टर्स अगर वो कंपनी है तो क्योंकि कंपनी भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकती है अलाउड है ठीक है पार्टनर्स डायरेक्टर्स या फिर ही सर ही इज़ एलिजिबल टू अपॉइंट आई डी एट द बोर्ड ऑफ द कॉर्पोरेटर अंडर सेक्शन वन फोर्टी नाइन वेद अ कॉरपोरेटर इज अ कंपनी अगर वो कंपनी है अगर वो कंपनी तो वहाँ पर वो आई डी बन सकता है अगर वो वहाँ पर आई डी बन सकता है तो वो एलिजिबल है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनने के लिए आई डी इंसॉलवेंसी प्रोफेशनल नहीं मतलब जो कंडीशन है इंडिपेंडेंट की वो आपको मीट करनी है ही शुड नॉट ब रिलेटेड पार्टी टू द कॉरपोरेटर नॉट बी अ रिलेटेड पार्टी सर ना तो वो एम्प्लॉई है ना वो प्रोपोराइटर है ना वो पार्टनर है किसका सर एक सी ए फ का एक सी एस फॉर्म का फॉर्म का ऑफ द कंपनी इन द लास्ट थ्री इयर्स एम पॉइंट एम में भी कवर होता है अगर आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पढ़ रखा होगा तो बट फिर भी ये लोग ने वापस से कॉपी कर रखा है सर ना वो एम्प्लॉई है ना वो प्रोपराइटर है ना वो पार्टनर है किसका एक लीगल और कंसल्टिंग फॉर्म का जिसको जिसको कितने पैसे मिल रहे हैं वो लीगल और कंसल्टिंग को कितना मिल रहा है मिनिमम और मोर ऑफ द ग्रॉस ऑफ सच फॉर्म लास्ट थ्री ईयर अच्छा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में टेन परसेंट होता है यहां पर फाइव परसेंट है तो यही चेंज है यहां पर फाइव परसेंट है ए एंड बी एंड सी एंड डी अगर आप मीट कर दे तो यू आर एलिजिबल टू बी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एग्जाम क्वेश्चन आ सकते हैं। आ limit, अब सी ओ सी की बात है सर सर दर पी सी एल कॉन्स्टिट्यूट द आर पी सी एल कॉन्स्टिट्यूटी ऑफ क्रेडर्स इट्स में आके कौन बैठता है सर सारे के सारे? सारे के सारे एफ सी आके बैठेंगे अच्छा अगर एक से ज्यादा एफ सी है एक से ज्यादा एफ सी है तो प्रपोर्शन में वोटिंग टू बी डिटर्म दल डेट ओर टू दम तो अगर किसी का साठ लाख है किसी का चालीस का चालीस लाख है तो वोटिंग क्राइटेरिया अच्छा इफ अ पर्सन इज एफ सी एज वेल एज ओसी पॉसिबल हो सकता है तो सर वो सी ओ सी में आके जब बैठेगा तो ही विल रिप्रेजेंटिंग ओनली द कपेसिटी ऑफ एफ सी ही एफ सी और इट्सराइज रिप्रेजेंटेटिव इज अरेड पार्टी ऑफ द सी डी मतलब रिश्तेदार हो

बट इन केस आपको इक्विटी शेयर में आपके डेट के सामने बोला कि ठीक है काम थर्टी परसेंट हमसे इक्विटी शेयर ले लीजिए ले लिया ले लिया तो आप उसके रिश्तेदार बन गए तो आप मीटिंग में बैठ भी सकते हो वोट भी हिज राइट्स विल नॉट बी अफेक्टेड बिकॉज इट प्रायर टू द कमेंसमेंट डेट बाद में नहीं चलेगा तो इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू भी आ सकता है सर हु कैन एक्ट एज ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव हु कैन एक्ट एज ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव

अगर बैंक वाला बोलता रहे मेरे को तो धंधा पे ध्यान देने का मैं मैं कहाँ ये इंसॉलमेंट्स में, में पढ़ू तो हमारी तरफ से एक जाके लॉयर लड़ लेगा तो वो हो गया उनका ऑथोराइज ही इज नॉट द आई ही इज ही जो झुंड ना झुंड तो शाहरुख खान तो मेरा आई था फिर आगे जाके वो आर बना तो मैंने सलमान को अपॉइंट किया तो सलमान मेरा क्या हो जाएगा ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव सर फाइनेंशियल डेट इज रीपेंट बाई द गार्डियन और एग्जीक्यूटि एडमिनिस्ट्रेटर देन सच पर्सन शैल बी द दाइज रिप्रेजेंटेटिव सच पर्सन शैल बी ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ध्यान रखना ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अलग है और जो मेरा आई है फिर आगे आगे आर पी बनना फिर आगे आगे वही लिक्विटर बनता है वो आदमी अलग है सर द आई आर पी शल ऑफर कितना नाम थ्री नेम्स ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल टू एक्ट एज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हु मस्ट बी फ्रॉम द स्टेट और यू टी विच एज द हाइस नंबर ऑफ क्रिएटर्स इन दैट क्लास एज पर द रिकॉर्ड ऑफ द कॉपोरेटर सो पर्टिकुलर स्टेट से आपका ही रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे हम आपके गाँव से कितना नाम तीन नाम तीन नाम तीन नाम एम सी क्यू आप ही के गाँव से आएगा सर आप ही के गाँव से अच्छा पर क्या है अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र हो गया महाराष्ट्र में कोई है ही नहीं इन्सॉलमेंसी प्रोफेशन चेन्नई हो गया चेन्नई में कोई है ही नहीं इंसौल कलकत्ता में भी कोई है नहीं तो क्या करें सर इफ स्टेट ऑफ द यूटी नॉट हैव एडिक्वेट नंबर दूटी डॉटरमेंसी प्रोफेशन फॉर नियर बाय स्टेट शैल शाल गोवा से बुला लो वहां पर तो बहुत ही इंसॉलमेंसी प्रोफेसर बुलाओ सर वहां से बुलाओ वहां तो बहुत है क्लियर ऑल द डिसीजन ऑफ शैल बी टेकन बाय द वोट ऑफ मिनिमम फिफ्टी वन परसेंट ऑफ दोटिंग शेयर ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स क्रेडिस सोनाभी ये कौन से है सर आई से जो रिलेटेड डिसीजन है बच्चों कौन से आई से रिलेटेड डिसीजन इट विल बी टेकन विद द वोट ऑफ सिक्सटी सिक्स परसेंट ओनली जैसे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट करना है रिप्लेस करना है कंफर्म करना है आपके पास एक्सटेंशन की भीख मांगे तो आई से रिलेटेड डिसीजन इज सिक्सटी सिक्स परसेंट बट ऑल द बिजनेस डिसीजन लाइक जो भी हमको वर्किंग करने कंपनी की uh, माल खरीदना है माल बेचना है उसके लिए फिफ्टी वन परसेंट है ऑल द डे टू डे बिजनेस के लिए इट इज मेजोरिटी फिफ्टी वन परसेंट है सर

उसे पान थूका जुबान केसरी सर्व टू दुलाने का में जो भी बैठे उनको बुलाओ इंक्लूडिंग उनके ऑर्थर रिप्रेजेंटेटिव को बुलाओ सर मेंस्पेंडेड बोर्ड या फिर पार्टनर एल एल पी केस में या फिर ऐसा ओसी ऐसा ओसी या उसका रिप्रेजेंटेटिव इफ द अमाउंट ऑफ ड्यू सच ओसी इज मिनिम टेन परसेंट ऑफ द डेट टेन परसेंट डेट और भैया सबको बुलाओ किस को बुलाओ सर सीओसी वालों को बुलाओ उनके रिप्रेजेंटेटिव को बुलाओ सस्पेंडेड बोर्ड वाले को बुलाओ सर ओसी को बुलाओ कौन सा ओसी को बुलाओ ऐसा इसका मिनिमम टेन परसेंट की डेट है।, है उनको बुलाओ हाँ पर ये लोग आके दे नॉट वोट ये दो लोग कैटेगरी कैन नॉट वोट दे कैन नॉट वोट दे कैन नॉट वोट दे कैन नॉट वोट ठीक है देन द आयर फाइल रिपोर्ट सर्टिफाइंग द द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टू सर्टिफिंग विद इन टू डेज ऑफ द दिफिकेशन ऑफ क्लेम तो ये सारा चीज डेज में आ रहा है तो टू डेज याद हो तो ठीक है ना आप छोड़ सकते हैं उसको देन द आई आर पी शल होल्ड फर्स्ट मीटिंग ऑफ विद इन सेवन डेज ऑफ फाइलिंग द रिपोर्ट एज मैंशन जैसे ही रिपोर्ट गए उसके सात दिन के अंदर आपको मीटिंग करनी पड़ेगी तो सामूहिक डेज हो गया अभी तक जो डेज में चेंज हुआ है फोर्टीन डेज आर डिसाइड करता है टेन डेज दो जगह पर है एक तो सर जब वो नोटिस ज्यादा डिमांड नोटिस वाला और दूसरा आई बी बी आई जब रिवर्ट करेगा जब नाम नहीं जाता आर पी का आई मीन आई आर पी का नाम नाम नहीं गया तो वो नाम बताएगा दस दिन बाकी सब जगह पर सात दिन चल रहे हैं तो दैट्स द वे यू रिमेंबर ऑलरेडी पागल हो जाओगे इतना इतना डेज है हाँ ये सी ओ सी बन गया तो ये दो दिन में इंटीमेट करने दो दिन के अंदर सर अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मे कन्वेन अ मीटिंग ऑफ सीओसी ओ सी वेर एवर रिक्क्ट इट कैन बी रिक्वेस्टेड बाई में थर्टी परसेंट थर्टी थ्री परसेंट वोटिंग राइट देखो जनरली क्या होगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बुलाएगा मीटिंग तो शाहरुख खान बुलाएगा मीटिंग कहाँ करनी है बट अगर थर्टी वाले लोग को जैसा मीटिंग बुला लो तो मीटिंग बुलाना पड़ेगा तो इतने लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं मीटिंग बुलाने के लिए मीटिंग बुला रहे पर कल मीटिंग ऐसा नहीं चलेगा मिनिमम कितना फाइव डेज का नोटिस राइटिंग फॉर द मीटिंग ऑफ सीओसी सर फाइव डेज कम भी हो सकते हैं बट स्टिल ट्वेंटी फोर ऐसा नहीं कि अभी मीटिंग है सर चौबीस घंटे का तो क्या तो तैयार मेकअप करा के आए रखे पर अच्छा बट अगर रिप्रेजेंटेटिव है मीटिंग के लिए टाइम इज मिनिमम फोर्ट आवर्स करते हैं फर्स्ट मीटिंग सेवन डेज ऑफ द रिपोर्ट एज मैं विद इन डेज पर मीटिंग का जो गैप है ना बच्चों मीटिंग का जो गैप है वो कितना है पांच दिन का है सर so, पांच दिन का हमसे बच्चों सिर्फ चौबीस घंटा तो चाहिए चाहिए बट अगर ऑथराइजेंट फॉर्टी एट आस चाहिए कितने बेटा फॉर्टी एट आस कोरम कितना है सर so, कोरम कितना होगा मेंबर्स होल्डिंग थर्टी थ्री वन थर्ड नहीं है बेटा वन थर्ड होता है दिस इज नहीं ऑफ वोटिंग इधर इन पर्सन जो फेस टू फेस वाले बच्चे हैं और ऑडियो विशल सब सब अपने बच्चे सर कोरम में सबको काउंट करेगा कोरम में सबको काउंट करने का देन सर इफ द कोरम इज नॉट अच्छी मीटिंग इज एजॉन्ट टू द नेक्स्ट डे सेम टाइम सेम प्लेस एट द एजॉम इट मेबर्स प्रेस विल बी द वैलड कोरम तो कोरम की बातें भी इंटोन एग्जाम में पुछ हुई है थर्टी थ्री परसेंट कोरम अच्छी हुई द मीटिंग एजॉन्ट द सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस एंड मेमस प्रेसेंट विद वैलिड कोरम सर हु आर द पर्सन नॉट एलिजिबल टू बी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट तो ये आपको क्या करना है रेफर रीड पेज सिक्स पॉइंट फाइव मॉड्यूल पूरा एक लिस्ट है एंड रेफर क्वेश्चन एटीन ऑफ आर टी पी मे ट्वेंटी टू एक मस्त क्वेश्चन है तुषार वाला आई थिंक केस है वो वो जरूर देख लीजिएगा वो जरूर देख लीजिएगा आई थिंक ये पॉइंट द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट फॉर अरेजोल्यूशन एज इट इज अ प्लान द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट फॉर रेजोल्यूशन ऑफ अरेटर एज अ गोइंग कंसर्न सर मेरे को क्या है मेरा पैसा नहीं मिले ना तो काम करो सर तीन में से दो मशीन बेच दो एक चलने दो तो ये प्लान है कि हाँ सेट बेच के आप मेरा पेमेंट कर सकते हो तो ऐसे प्लान आएंगे बहुत सारे कंडीशन फॉर सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान बाई द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टू सी क्या है सर इट शुड प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन पेमेंट कॉस्ट टू अदर डेट्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर्स भैया सारा कॉस्ट कवर होना चाहिए उसमें जैसे कि इंसॉल्वेंसी का जो कॉस्ट है वो मेरा पैसा कितना मिलेगा बाकी जो क्रेडिटर्स है जिनको पेमेंट करनी है उनकी लिस्ट है कि नहीं तो पहला सर वो कवर होना चाहिए वो कवर हो गया इट शुड प्रोवाइड फॉर द डेट्स ऑफ ओसी एज मे बी स्पेसिफाइड बाय ओसी की डेट्स की बारे होनी चाहिए इट प्रोवाइड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ कॉर्पोरेटर्स आफ्टर द अप्रूवल ऑफ प्लान ठीक है प्लान अप्रूव हो जाएगा पर कमी चलनी चाहिए गोइंग कंसर्न में अच्छा किसके बारे में बताएगा सर वो इंप्लीमेंटेशन सुपरविजन के बारे में होना चाहिए इट शुड नॉट कॉन्ट्रवेट एनी प्रोविजन ऑफ द लॉ इट शुड कंफर्म विद सच अदर रिक्वायरमेंट्स एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड तो एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है वॉट आर द कंडीशन जब वो प्लान आगे भेजेगा सी को तो आपन ने तो किस को दे दिया शाहरुख खान को दे दिया अब शाहरुख खान के चेक करेगा तो ये छह चीज़ें होनी चाहिए चीज़े। सर उसमें इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कॉस्ट की बातें होनी चाहिए ओसी सी के डेट की बातें होनी चाहिए मैनेजमेंट की बातें होनी चाहिए मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कॉपरिटर्स सर इंप्लीमेंटेशन सुपरविजन ऑफ प्लान की बातें होनी चाहिए शुड नॉट कॉन्ट्रमेंट एनी प्रोविजन ऑफ द लॉ एंड शुड कन्फर्म इत अर सक्स रिक्वायरमेंट सी के सामने रखा सी क्या करेगा विद सिक्सटी सिक्स परसेंट वोटिंग शेयर उसको अप्रूव कर देगा कि वह सब कंडीशन मीट है तो अप्रूव कर आगे जाएगा किसके पास आ के पास सर द रेज एप्लीकेट में अटेंड द मीटिंग ऑफ सीओ सी इन विच द प्लान ऑफ द एप्लीकेंट इज रेज तो वो एप्लीकेंट आके मीटिंग में बैठ सकता है पर वो वोट नहीं देगा वोट कब दे सकते बट अगर वो एफ सी है तो वोट देगा तो जिसका प्लान आगे गया जैसे सौ लोग ने प्लान दिया पर आगे सत्तर प्लानिंग है तो आपके प्लान अगर कंसेड मीटिंग में आके बैठो पर आप वोट नहीं दोगे वोट कब दोगे अगर आप एफ सी हो तो सर वोटिंग कैसे होगा इफ ओनली वन प्लान इज पुट बच्चों कौन सा प्लान बच्चों खाली वन प्लान

अनाउंस बिफोर द मीटिंग तो हम लोग ने डिसाइड करके छिट्टी निकालेंगे हम लोग क्वाइंट टॉस करेंगे अगर टाई हो गया था जो भी है पर सिक्स सिक्स परसेंट हमेशा मीट होना ही चाहिए सर इफ नैन ऑफ द प्लान किसी को फिफ्टी मिला किसी को फिफ्टी टू मिला 66 आए नहीं दी ओ सीशियल वोट ऑन द प्लान दट रिसीव हाईस्ट वोट सब्जेक्ट टू द टाइम लाइन्स अंडर दब्जेक्ट टू द टाइम लाइन्स अंडर दोट्स द सी ओ सीशियल वोट ऑन द प्लान हाईएस वोट सब्जेक्ट टू द टाइम लाइन अंडर दोट्स यू मिस्टेक इसमें बेसिकली इसमें क्या क्या कोई प्लान आता नहीं है वहां पर तो क्या होता है वापस से भैया प्लान मंगाया जाएगा वापस से नया मतलब पूरा प्रोसेस वापस से रेजुएशन एप्लीकेंट क्या करेगा प्रोफेशनल क्या करेगा नया प्लान मंगवाएगा नए प्लान पे वापस से वोटिंग होगा फिर जो हाईएस्ट वोट आया सब्जेक्ट टू सिक्सटी सिक्स परसेंट सब्जेक्ट को टाइम सब्जेक्ट टू सिक्सटी सिक्स परसेंट वोट उसको अप्रूव किया जाएगा वापस से पूरा प्रोसेस शुरू करेंगे हमेशा जाना सिक्सटी सिक्स परसेंट वोट मैंडेटरी वो होना ही चाहिए होना ही चाहिए सर द हीरो शाहरुख खान विल सबमिट द प्लान एज अप्रूव बाई सी यू सी टू द आ किसके पास जाएगा वो आ के पास

तो पूरा टाइम पास खत्म अब खाली क्या बचा लिक्विड की बातें बची अपनी सर इफ द प्लान प्रोवाइड फॉर कॉम्बिनेशन एज पर सेक्शन फिफ्थ सेक्शन ऑफ सेम्पिटिशन एक्ट तो द द द अप्रूवल अप्रूवल ऑफ ऑफ टू दरपिशियल करना पॉइंट आपके मॉडल में दे रखा था कि वो अगर कॉम्बिनेशन की कुछ बातें करता है कॉम्बिनेशन मतलब वो कॉम्पिटिशन एक्ट में है कुछ लोग बच्चे सिक्स जीते उनको पता होगा तो क्या होगा सर आपको उनका भी अप्रूवल आएगा ये हीरो शाहरुख तो उसका भी अप्रूवल लेकर आना प्लीज उसका भी अप्रूवल लेकर आना ठीक है अपील अगेंस्ट अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान अगर आप खुश नहीं, आपको अपील करना है करो सर एंड अपील अगेंस्ट अगेंस ऑर्डर ऑफ ऑफ अप्रूविंग प्लान मे बल फॉलोइंग ग्राउंड्स। इफ इट इसवेंशन ऑफ एनी लॉ दट नंबर वन कॉन्ट्रवेंशन दट मीन एम एनी मटीरियल इर इन द एक्साइज ऑफ पावर ऑफ द आर शाहरुख खान ढंग से काम नहीं कर रहा है सर या तो कोई लॉ कॉन्ट्राम किया शाहरुख खान ढंग से काम नहीं कर रहे हैं सी सर डेट्स ओ टू ओ हैव नॉट बी प्रोवाइड सर ओ की बात है ना कि पेमेंट की आप अपील कर सकते हो द इंटॉलमेंट इन प्रोसेस कॉस हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड इन रीपेमेंट इन ट्राइज्स इंस्टॉलमेंट प्रोसेस कॉस्ट की बातें नहीं की द प्लान डज नॉट कम्प्लाई विद द अदर क्राइटेरिया स्पेसीफाइड बाई द बोर्ड सो भैया ये पाँच ग्राउंड से तो जब आप अपील फाइल कर सकते हो पाँच ग्राउंड से तो जब आप अपील फाइल कर सकते हो कौन कौन से सर सर कॉन्ट्रामेंट किया उसने कोई लॉ को या फिर कुछ मटेरियल इरेगुलेटर अपनी ड्यूटी के प्रति सर दच ओ टू ओ सी एम नॉट बी प्रोवाइड इन द प्लान या फिर इंस्टॉलमेंट प्रोसेस कॉस्ट की बातें नहीं की गई या कोई कंडीशन है क्राइटेरिया वो मीट नहीं किया तो वो अपील कर सकता इफ द प्लान इज़ नॉट फाइल विद इन मोनिटेज एक्सचेंडमेंट नाइन डेज द आ मे पास यू ऑर्डर फॉर लिकुडेशन एक सौ अस्सी दिन बीत गया अपने प्लान अप्रूव नहीं किया एक्सचेंजन नाइन्टी डेज बीत गया अपने प्लान अप्रूव नहीं किया या फिर प्लान आया ही नहीं कोई या प्लान आया तो मजा नहीं आया टाइम लिमिट खत्म हो गया तो क्या हो गया सीधा लिकुडेशन अब खत नहीं खत्म सर आपके पास ऑप्शन क्या है सर या तो आप प्लान को अप्रूव करवा के आप उसको इंप्लीमेंट कर लो तो कंपनी चलती रहेगी बट आपको चाहिए नई नई कमी को सर को बंद करो सालों को बंद करो तो बंद करो लिकुडेशन का ऑर्डर पास करवाओ लिक्विडेशन सर अब प्लान अप्रूव नहीं हो तो क्या होगा कंपनी लिक्विड हो जाएगी इन द फॉलोइंग केसेस क्या क्या सर प्लान इच नहीं आया नहीं आया सिक्सटी सिक्स परसेंट सीओसी क्या बोलते हैं मेरे को कंपनी को बंद करने का है मैं कह के लिए पूरा टाइम पास करो सारे के सारे दस स्टेप देखो मैं जैसे सीओसी में ना नहीं मेरे को बंद करने का बंद करो बंद करो क्योंकि अगर असेट होगा तो मजा आएगा ऐसा असेट है नहीं दिख रहा है सी वाले को बंद करो सो दे ऑर्डर फॉर एनी टाइम एनी टाइम द एंटायर प्रोसेस एंटायर प्रोसेस

अफेक्टेड पर्सन ने एप्लीकेशन कर दे तो कंपनी हो जाएगी अब लिक्विडर कौन होगा तो शाहरुख खान मेरा पहले इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल था फिर वो आईआरपी बनकर आया आगे वो आरपी गया आगे जाके क्या बन जाएगा वो लिक्विडर बन जाएगा पर सर क्या हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं मैं बोला हाँ वो हकला रहा है सर बार बार आप उसको चेंज कर लो कोई दिक्कत नहीं है बिंदास बिंदास कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ना इफ द आप पास एज ऑर्डर फॉर लिक्विडेशन रेजुलटेड फॉर सीआरपी और पी आर पी एक्ट एस ए लिक्विड ठीक है आ में डेक्ट द बोर्ड टू प्रोजोज ने लिख आई बी जो बोर्ड होगा वो रिप्लाई बैक करके विदिन टेन डेज तो सेम पॉइंट है जो अपन आई आरपी और आरपी के लिए पड़ता है यहां पर भी वही चीज है खाली यहां पर फर्क है ध्यान रखना पड़ेगा आपको यहां पर वोटिंग वाली बात नहीं होगी क्योंकि वो सीओसीएफ खत्म हो गए ना सीओ सीए खत्म हो तो वोटिंग की बात क्यों होगी तो सीधा आ जाएगा आई बीबीए के पास आईबीबे नया नाम दे दे देगा दस दिन दस दिन के अंदर ठीक है यह डायग्राम नेक्स्ट सर ग्राउंड फॉर रिप्लेसमेंट कौन कौन से हो सकते है The the resolution plan submitted by रेजोलूशन प्लान सब्मिटेड बाई दरपी वॉज रिजेक्टेड the फेलियर टू मीट द रिकॉयरमेंट ऑर द बोर्ड रिकमेंड्स रिप्लेसमेंट the आरपी टू द रीजन टू बी रिक्वॉर्ड इन राइटिंग ऑर द रेजोलेशन प्रोफेशनल फेल्स टू सब रिटर्न कंसेंट ठीक है उसको हम लोग क्या कर देंगे पर उसको रिप्लेस कर देंगे सर लिक्विडेशन स्टेट में क्या क्या जाएगा अरे भैया जो मेरा है वो जाएगा क्या ऑल द assets, असेट्स करंट fixed फिक्स असेट स्टॉक bank सब मेरी कंपनी में मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखे दूसरी कंपनी वो भी जाएगी मेरी कोई प्रॉपर्टी है डिस्प्यूट है वो भी जाएगी सर जहाँ पर सर मैं लेसर हूँ सर वो भी जाएगा अपना है वो जाएगा मेरी सब्सिडरी की असेट मेरी सब्सिडरी की असेट नहीं जाएगी सर मेरी सब्सिडरी की असेट नहीं जाएगी सब्सिडी में जो इन्वेस्टमेंट है वो जाएगी अच्छा जहाँ पर मैं लेसी हूँ वो नहीं जाएगा जहाँ पर मैं लेसर हूँ वहाँ वो जाएगा ठीक है ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल प्रोसीड कैसे कैसे डिवाइड किया जाएगा सर सर सबसे पहले क्या माइनस करना इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट एंड द लिक्विडेशन कॉस्ट फिर सर नंबर बी में दो चीजें वर्क वर्कमेन ड्यूज फॉर ट्वेंटी फोर मंथ ओ टू सिक्योर क्रेटर सिक्योर क्रेटर रिलिंग रीलिंग गिवअ अप कर दिया बोलते हैं मेरे को कुएं में आने का है तो कुएं में क्यों आने का उसको क्योंकि जब वो बेचने गया होगा अपनी सिक्योरिटी तो उसको पूरे पैसे नहीं मिलेंगे वो क्या बता चलो चलो मैं लिक्विडेशन में जाता हूं वहां पर तो सर इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कॉस्ट नंबर टू दो चीजें पहला वर्क मैन डूज फॉर ट्वेंटी फोर मंथ मतलब मेरे आदमी मजदूर आदमी मजदूर आदमी

सर उसने क्या जो लोन दे रखा था उसने जो सिक्योरिटी के अगेंस्ट वो जाके बेच कर आया मतलब वो कुए में नहीं आया जब बेच कर आया तो उसको कुछ जो पैसे नहीं मिले जो शॉर्टफॉल है वो यहां पर आएगा हु हैज सोल्ड द सिक्योरिटी मतलब उसने एनफोर्स किया है उसने गिव अप नहीं किया उसने एनफोर्स किया एंड देर इज अ शॉर्टफॉल एंड देर इज अ शॉर्टफॉल देन एनी रिमेनिंग डेट्स प्रिफरेंशियल होल्डर्स एंड देन इक्विटी शेयर लास्ट में किसको मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर पार्टनर्स आठ लोग हैं एच तक सर तो ये मेरे पूरा की है आपको ऐसे फॉलो करना है सर कैन यू चेंज द ऑर्डर नो इट हैज फॉलो स्ट्रिकली द फीस पेबल टू द लिक्विडर है प्राइरिटी में बट इट विल पेड इट विल बी पेड प्रपोर्शनटली फ्रॉम इच क्लास ऑफ रिसिप सो ए टू एच में उसको हमेशा प्रायोरिटी मिलेगी पर हर लेवल पर प्रायोरिटी मिलेगी रेफर क्वेश्चन थर्टीन पेड सिक्स पॉइंट नाइन सिक्स एग्जाम का क्वेश्चन होगा वहाँ पर वो देख लीजिएगा सर द लिक्विडर शेल डिस्ट्रीब्यूट द प्रोसीड फ्रॉम रियलाइजेशन विद इन विद इन नाइनटी डेज फ्रॉम द रिसप्ट ऑफ द

ऑर्डर तो so, की कॉपी सात दिन इफ द फेल्स ही मेक एन एप्लीकेशन टू आ टू कंटिन्यू सर्च लिक्विशन अलॉन्ग रिपोर्ट एक्सप्लेन द रीजन फॉर नॉन कंप्लीशन एंड स्पेसिफाइंग द एडिशनल टाइम रिक्वायर्ड फॉर लिक्विडेशन एग्जाम क्वेश्चन डिसंबर इक्कीस तो प्रोसेस की बात है बच्चों प्रोसेस की बात है सर लिक्विटर विल मेक एन एप्लीकेशन टू आ आ क्या करेगा आ ऑर्डर करवा देगा डिसोल्यूशन का ऑर्डर की कॉपी आप जिसके पास भी आप रजिस्टर्ड हो सात दिन के अंदर उनको आप दे दो सर so, लिक्विड को पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है एक साल के अंदर जैसे कंप्लीट हो गया अच्छी बात अगर नहीं हुआ है तो रीजन बताइए क्यों नहीं हुआ है क्यों नहीं हुआ है एग्जाम क्वेश्चन इक्कीस ट्रैक सर एन एप्लीकेशन फास्ट ट्रैक मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ़ फॉलोइंग कॉर्पोरेटर इनके खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हो सर कौन कौन स्मॉल कंपनी नंबर टू स्टार्टअपनी ट्वेंटी मतलब कितना मैक्सिमम वन करोड़ कितना बच्चों मैक्सिमम वन करोड़

सेवेंटी फाइव परसेंट वोटिंग अलग वोट गया सेवेंटी फाइव परसेंट आपको अगर एक्सटेंशन चाहिए फास्ट है कर वोटिंग सर वॉलेंट्री लिक्विडेशन वॉलेंट्री लिक्विडेशन क्या है सर सर वॉलेंट्री लिक्विडेशन ऑफ पर्सन खुद से खुद से सर आ कॉरपोरेट पर्सन में भी लिक्विड वॉलेंट्री हुज़ नॉट कमिटेड एनी डिफल्ट तो हमको बंद करके बंद हो जाओ क्या कंडीशन है क्या क्या चाहिएगा मेरे को एक डिक्लेशन चाहिएगा किससे मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे भैया देखो देखो हम लोग ने कोई गलत काम नहीं किया है सर दे हैव मेड इंक्वायरी इन द फुल फुल इंक्वायरी टू द अफेयर्स ऑफ कमनी एंड देर नो डेट्स कोई उधारी नहीं है अच्छा अगर कोई उधारी है हमको अब बंद कर दो हम पे कर देंगे फ्रॉम द प्रोसीज ऑफ वॉलंट्री लिक्विडेशन पहला चीज़ हमने क्या इंक्वायरी किया मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स में डिक्लेरेशन देंगे कि भैया एक तो कोई उधारी नहीं है अच्छा या कोई उधारी है हम उसको रीपे कर देंगे अगर आपने हमें बंद कर दिया तो एंड कंपनी इज नॉट बिंग लिक्विडेटेड टू इट्स क्रेडिटर्स इट्स क्रेडिटर्स हम लोग किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे सर नुकसान नहीं पहुंचा रहे हमको बंद करवा दीजिए सर डिक्लेरेशन के साथ क्या क्या जाएगा सर ऑडिटेड एफ जाएगा रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस जाएगा फॉर टू ईयर्स या पैदा हुए तुमको कम हुआ है तो विच एवर इज लेटर ला तो लास्ट दो साल का दीजिए या तो लास्ट सात महीने में पैदा तो लास्ट सात महीने का दे दीजिए एंड अ रिपोर्ट

अगर इट इज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फिक्स दी हुआ और ऑन ऑन अकरेंस अकरेंस ऑफ ऑफ अ डिफॉल्ट एन इवेंट डिफॉल्टवेंट हुआ मतलब सर अगर आपको बंद करने का कर तो, तो मैंडेटरी पास बट अगर मेरे आर्टिकल्स में लिखा था कि मेरा चार साल हो जाएगा या अ, मेरे को दस करोड़ की रेवेन्यू आ जाएगी मैं बंद हो जाऊंगा तो अगर कोई इवेंट लिखा था या पीरियड लिखा था वो आ गया है वो अट्रैक्ट हो गया है तो आप जीएम से पास कर लीजिए नहीं तो हमेशा एसआर पास करना पड़ेगा एंड यू विल विल अपॉइंट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हु एक्ट एज अ लिक्विडेटर इन ईदर केस भले वो आप एस पास कर लो या जर्नोमेटी पास कर लो

मैं अगर बोलू सी आई आर पी कॉरपोरेट इंसॉलमेंटोल्यन प्रोसेस कब होता है जिस दिन एप्लीकेशन एडमिट हुई सी आई आर पी लिक्विडेशन जिस दिन ऑर्डर पास हुआ वॉलंटियर लिक्विडेशन जिस दिन रेजोल्यूशन पास हुआ जिस दिन रेजोल्यूशन पास हुआ अंडरस्टैंड सी आई आर पी कब शुरू हुआ जिस दिन एप्लीकेशन एडमिट हुई फिर क्या हुआ सीओ सी ने अप्रूवल दे दिया फिर ने आने ने अप्रूवल दिया तो ने जिस दिन ऑर्डर पास किया होगा ने रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन मतलब क्या हो गया ने प्लान रिजेक्ट कर दिया तो था ने ऑर्डर पास किया एप्विशन उस दिन शुरू होता है

आ क्या करेगा आई विल पास दर्डर फॉर डिजोल्यूशन एंड ऑर्डर कॉपी शाड बी फॉरवर्ड टू फॉर्वर्ड विद इन फोर्टीन डेज ऑफ ऑर्डर विद इन दिन डेज ऑफ नया डेज एक सेकेंड क्योंकि पीछे वाले में जब मैं नॉर्मल नॉर्मल बोल रहा था ना नॉर्मल वाला तो वहां पर था सात दिन ऑर्डर कॉपी शुड बी फाइल में ऑर्डर कॉपी शुड बी फाइल विद इन सेवन डेज ऑफ द ऑर्डर वॉल्ट्री में फोर्टीन डेज है वॉलंट्री में फोर्टीन डेज है वॉलंट्री में फोर्टीन डेज है Voluntary में फोर्टीन डेज आपको टेंशन लेने का जरूरत है मैंने क्या कर नीचे लिस्ट बना रखी है बात है सेवेंटी फाइव परसेंट एक्सटेंशन फॉर फास्ट ऑफ सीआरपी अच्छा कोरम के लिए या फिर रिक्वेस्ट करना मीटिंग है तो कितना so, यही परसेंटेज दे रखे है आपके पूरे चैप्टर में क्लियर सर फुल रेजोल्यूशन प्रोसेस बी कंप्लीटेड विद इन एटी डेज एक्सटेंशन नाइनटी डेज हाँ कोई लीगल केस है कोई लीगल केस है तो स्पेसिफिक के लिए कितना है टोटल थ्री थर्टी डेज है थ्री थर्टी डेज है अच्छा आर टू तो डिसाइड और एक्सेप्ट और रिजेक्ट विद इन फोर्टीन डेज रेक्टिफिकेशन के लिए सात दिन है कम्युनिकेशन ऑर्डर के लिए सात दिन है पब्लिक अनाउंसमेंट के लिए बेटा थ्री डेज है टर्म ऑफ आर पी टिल द आर पी इज अपॉइंटेड टिल द इज अपॉइंटेड अच्छा फर्स्ट मीटिंग ऑफ सी उसे कितने के meeting, दिन के अंदर विद इन सेवन डेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कन्फर्मेशन रिपोर्ट सबमिटेड टू आरपी बराबर फर्स्ट मीटिंग सात दिन के अंदर होनी चाहिए सर आर पी टू सबमिट द कन्फर्मेशन रिपोर्ट विदिन टू डेज ऑफ द कॉन्स्टिट सी ओ सी तो विदिन टू डेज एक अलग डेज था अच्छा एप्लीकेशन केस ऑफ ओसी तो कॉर्पोरेटर विल रिप्लाई विदिन टेन डेज वो दस दिन वाली बात आ गए यहाँ पर अच्छा रिप्लेसमेंट ऑफ आरपी की बात कर लो या आई लिक्विड की बात करो तो वहाँ पर दी विल रिवर्ट विद इन टेन डेज तो दस दिन वाले दो चीज थे सर वॉल्ट्री लिक्विडेशन में क्या है विदिन फोर वीक्स विदिन फोर वीक्स पास ऐसा और चाहिए हमारा डिसर कॉपी तो अगर सी आर पी चल रहा है तो मेरा सात दिन है टू द अथॉरिटी अगर वॉलेंटरी तो फोटीन डेज है मैंने आपको अभी बताया टू द अथॉरिटी फास्ट्रेक सीआरबी नब्बे दिन एक्सटेंशन फोर्टी फाइव डेज तो पूरी लिस्ट तुम्हारे सामने परसेंटेज है कहा अलग अलग डेज है पूरा लिस्ट है एंड इसी के साथ पूरा आईबीसी फिनिश फिनिश समाप्त थैंक यू पति की हो गया इतना कर लो एकदम इज्जत में हर पॉइंट कवर करवाया है आपको एकदम इज्जत में पूरा हो जाएगा दो चीजें बचती है एक दो पी की बात है सो पी पी का मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है यूट्यूब पे आप मेरे चैनल पे जाना अभिषेक बंसल पे आपको वहां पर मिल जाएगा मेरे चैनल पर नीचे पीआरपी मिलेगा ये उसी के नोट्स से। exactly है सेम चीजें पूरी एक्जैक्टली सेम है पीआरपी का एक कॉन्सेप्ट है जो एक घंटे के आसपास का वीडियो का फोर्टी फाइव घंटे का वीडियो का पीआरपी का एक तो और उसके बाद आपको मिलेगा बाइट्स एक बाइट्स का वीडियो मिलेगा सेक्शन 43 से लेके सेक्शन 51 वन जहाँ पर प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन की ओवर वाले की बातें करेगा वो अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन की बातें करेगा प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन पूरा ये वही नोट्स है अंडर वैल्यूड ट्रांजेक्शन ये डाल रखे मैंने वहाँ पर पीरियड फॉर अवॉयडेबल रेलिवेंट पीरियड फॉर अवॉइडेबल ट्रांजेक्शन अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन्स ये पूरा प्रोसेस है ये भी हमें एक्सप्लेन कर रखा है तो ये वाला वीडियो मेरा वाला प्लस पी आर पी का वीडियो प्लस बाइट्स बी वाई टी ई एस ये तीन वीडियो ये तीनों वीडियो अगर आप देखो तो आपका पूरा आई बी सी हो जाएगा एंड पीपल वर अपेयरिंग फॉर सिक्स जी स्टिल द आंसर इज सेम सिक्स जी का भी रिविजन यही है तो बेटा इसी बात पर दो रुपये स्विच बैग में जरूर डाल देना सिक्स जी वाले तुम तो पढ़ कर आएंगे किसी और से पीपल है लॉ ऑल्सो फ्राम समे तुम्हार को भी डालना चाहिए तुम्हारा को भी डालना चाहिए भैया बहुत काम आएगा हमको पैसा एंड खत्म खत्म तो दो चीजें आपको करनी है पीआरपी वाली और बाइट देख लिया जरूरत नहीं है पूरा आईबी से आपको मैंने करा दिया है जो भी मच अवेटेड जो लेक्चर था जो सब कुछ था पूरा करा दिया मैंने आई थिंक वी टुक वन आर फिफ्टी मिनट फिफ्टीन सिक्सटी मिनट्स एंड प्लस पीआरपी प्लस बाइट्स आई होप आपको मजा आया हुआ याद रहेगा चीजें डेज भी पूरे रिकॉल करवा दिए हैं लास्ट के जो है ना ये सारी चीज़ें रखना याद करके एग्जाम में एम में भैया बहुत खेला होबे यहाँ से आपको स्कोरिंग चीज़ें मिल सकती है सब चीज़ें लिखी है लेटेस्ट बैच की चीज़ है एंड ये हमारे विनय भैया है मुजफ़्फ़रनगर से नहीं मुजफ़्फ़रपुर से कहीं से तो है मैं भूल गया उनकी जगह हर बार मैं भूल जाता हूँ तो उनको जरूर दुआ दीजिएगा क्योंकि उन्होंने बेचारे ने इतनी अच्छी मेहनत की है एंड डू लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड सबको आई बी सी इतना कर लोग हैं बाकी लोग भी तो पढ़ ही रहे हैं ना बाकी आपने वीडियो धमाल तो मचा ही रहे तो मचवा दियो पूरी हर जगह पर पूरे गाँव दुनिया में ऐलान करवा दियो सेम धमा चीज़ आई बी सी धमाके दाना चाहिए अब आई बी सी का कोई डर नहीं आर टी पी में जो क्वेश्चन है अठारहवा नंबर तुषार वाला किस का तो वो कर लीजिएगा प्लस जो तो डिसम्बर इक्कीस का और जुलाई इक्कीस के जो क्वेश्चन है वो जरूर कर लीजिएगा इतना कर लो अब पक्का पास हो कोई टेंशन ही नहीं है फिर ठीक है आई बी कमिंग वेरी सुन विद सेबी वीडियो एंड फेमा का कब बताता हूँ क्या करना है एग्जैक्टली सेबी का तो आएगा अभी बहुत जल्द कूल है बाय ज़िय गाइस टेक टे एंजॉय एंड एम फॉर अ रैंक और सेवेंटी प्लस विचे से चलता हूँ दुआ में जरूर याद रखिएगा एंड जितना हो सके मैक्सिमम लोगों को फॉरवर्ड करो तो सबको बेनिफिट मिले बाय गाइस टेक केयर अच्छा हाँ और रेगुलू रहा है नंबर ट्वेंटी टू मई ट्वेंटी थ्री नंबर ट्वेंटी थ्री के लिए तो अगर आपको कोई भाई बंधु है उनको बोल दीजिएगा डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट लेट्स इंडिया डॉट इन या अभी भगत बुराना डॉट कॉम या बी बर्चअल्स कहीं से भी जाके वो लेक्चर ले सकते हैं exactly एक्जैक्टली सेम चीज़ें मिलेंगी कूल है बाय टेक केयर एन्जॉय